हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90s के हीरोज की बात करें तो आपको कृष्ण कुमार जरूर याद होंगे। उनको लोग किशन कुमार भी कहा करते थे। एक फिल्म ने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। हर टूटे दिल वाला आशिक उनकी फिल्म के कैसेट लिया घूमा करता था। लेकिन उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक ही गुमनाम हो गए? क्या आपको पता है कि ये खौफनाक घटना उनका चढ़ता करियर ले डूबी थी? चलिए हम आपको 90s के इस स्टार की पूरी कहानी सुनाते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहानी शुरू होती है दिल्ली के दरियागंज इलाके से, जहां चंद्रभान कुमार दुआ फलों के जूस की दुकान लगाया करते थे। इनके दो बेटे हुए, बड़ा बेटा गुलशन कुमार दुआ और छोटा कृष्ण कुमार दुआ। गुलशन थोड़ा बड़े हुए तो घर की तंगी संभालने के लिए पिता के साथ जूस बेचने लगे। कृष्ण कुमार पढ़ाई करते थे। गुलशन भले ही रोड पर जूस बेचा करते, मगर उनके मन में एक ख्वाब दिन रात पल रहा था, बंबई जाकर बड़ा एक्टर बनने का। एक दिन पिता से बोले कि बंबई जा रहा हूँ हीरो बनने, और निकल पड़े माया नगरी। एक हफ्ते गुरुद्वारे में रुके और धक्के खाए तो समझ में आ गया कि नए चेहरों को यहाँ ऐसे मौके नहीं मिलते। वापस लौटे दिल्ली और फिर से जूस बेचने लगे, मगर मन में कुछ बड़ा करने का सपना अब भी चल रहा था। उनको गाने सुनने का बड़ा शौक था, मगर कैसेट उस जमाने में बड़े महंगे मिलते थे। गुलशन का दिमाग बस यही काम कर गया। उन्होंने एक कैसेट की दुकान खोल ली। शुरुआत में सस्ते कैसेट बेचने लगे। लोगों को कम दाम पर कैसेट मिलने लगे तो उनका काम थोड़ा चल पड़ा। अब उनको एक और आइडिया आया, क्यों ना मशहूर गानों को उस कैसेट में डब करके सस्ते में बेचा जाए। अब उन्होंने एक कंपनी बनाई, नाम रखा सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज, और डबिंग कैसेट बेचनी शुरू कर दी। किस्मत ने खूब साथ दिया। भाई कृष्ण कुमार लक्ष्मण की तरह बड़े भाई के संघर्ष में साथ दे रहे थे। काम और चला तो मुंबई आ गए और कंपनी का नाम बदलने की सोची। भगवान शिव के बड़े भक्त थे तो उनके त्रिशूल का टी ले लिया और 1983 में कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया। पहली बार उनकी कंपनी को बड़ी कामयाबी 1988 में मिली, जब फिल्म आई कयामत से कयामत तक। इसके साउंड ट्रैक टी सीरीज ने ही बनाए थे। रातों रात गाने सुपर हिट हो गए और टी सीरीज देश की बड़ी मशहूर कंपनी बनकर उभरी। इसके बाद तो अनुराधा पौडवाल से लेकर गुलशन कुमार के भक्ति के गीत टी सीरीज की कैसेटों में पूरे देश में छाने लगे। पैसा बरसने लगा तो अब गुलशन कुमार फिल्मों में भी पैसा लगाने लगे। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म आशिकी ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। कम उम्र के आशिक आशिकी वाली टी सीरीज की कैसेट जेब में रखकर घूमा करते। करोड़ों में खेल रहे गुलशन कुमार ने अब अपना दूसरा सपना पूरा करने का फैसला किया। वो था भाई कृष्ण कुमार को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाना। खुद एक्टर न बन सके गुलशन अब चाहते थे कि उनका छोटा भाई बड़ा हीरो बने। पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए खुद प्रोड्यूसर बनकर उनको लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी। छोटे भाई को बेटे जैसा चाहने वाले गुलशन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। 1991 के आसपास की बात होगी, मशहूर डायरेक्टर केतन आनंद को रखा गया। शम्मी कपूर, प्राण और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गजों को महंगी फीस देकर रखा गया। 1993 में फिल्म आजा मेरी जान से पहली बार छोटे भाई कृष्ण कुमार को लॉन्च किया। फिल्म बुरी तरह पिट गई, मगर गुलशन ने पहले से ही इसका बैकअप प्लान बना रखा था। उन्होंने दूसरी फिल्म की शूटिंग भी साथ साथ करवाई थी। 1993 में ही भाई को हीरो बनाकर दूसरी फिल्म रिलीज कर दी, कसम तेरी कसम। मगर ये क्या, कृष्ण कुमार की सतही एक्टिंग उस दौर के दूसरे स्टार से मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी। नतीजतन ये फिल्म भी औंधे मुंह गिरी। अब भाई को सुपरस्टार कैसे बनाया जाए? गुलशन ने इस बार वो तरकीब भिड़ाई जिसके लिए वो मशहूर थे, क्यों ना म्यूजिकल हिट फिल्म बनाई जाए। भाई की एक्टिंग में जो कमी है वो भी छिप जाएगी और फिल्म भी चल पड़ेगी। इस बार निखिल विनय,
अमर उत्पल, मिलिंद सागर और राजू सिंह सरीखे दिग्गज म्यूजिशियंस को इकट्ठा किया गया। उदित नारायण से लेकर अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम को सिंगर रखा गया। वहीं इस बार प्रोड्यूसर ही नहीं, डायरेक्शन की कमान भी खुद गुलशन कुमार ने संभाल ली। कृष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी बनाई गई। एक से बढ़कर एक गीतों से सजी फिल्म 1995 में रिलीज की गई। नाम था बेवफा सनम। मगर फिल्म की रिलीज से पहले ही गानों की कैसेट बाजार में उतार दी गई। ऐसा लगा जैसे 90 के आशिक इसी कैसेट के इंतजार में दिन रात काट रहे थे। मार्केट में कैसेट आते ही कोहराम मच गया। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा को उदित नारायण ने गाया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तेरी गली विच, ये धोखे प्यार के धोखे और इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं को सोनू निगम ने आवाज दी। गीतों ने ऐसी धूम मचाई कि बाजारों से कैसेट ही गायब होने लगे। दीवानगी ऐसी थी कि अगर किसी के शहर में कैसेट खत्म हो जाए तो वो दूसरे शहर में बस कैसेट की तलाश में निकल आता था। हर ओर दर्द में डूबे आशिकों के लिए ये एल्बम एंथम बन गया। गीतों ने ऐसा समा बांधा कि पूरी कहानी जानने लोग सिनेमा घरों में उमड़ गए। गुलशन कुमार ने वो कर दिखाया जो वो चाहते थे। गीतों के साथ ही एक अफवाह भी बाजार में उतारी गई कि पाकिस्तान में इस फिल्म को देखने के बाद एक कैदी की सजा माफ कर दी गई। अब तो जो नहीं जाना चाहते थे वो भी एक बार हॉल पहुंच गए। बस फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने दो लोगों को रातों रात स्टार बना दिया। पहले थे गायक सोनू निगम और दूसरे कृष्ण कुमार। अब गुलशन कुमार को वो फॉर्मूला मिल गया था जिसके दम पर वो छोटे भाई को बड़ा स्टार बना सकते थे म्यूजिकल हिट फिल्में बनाकर। बेवफा सनम में कृष्ण कुमार के अभिनय में भी निखार आया था। वहीं रातों रात सफलता मिलने पर कृष्ण कुमार भी बड़े सपने देखने लगे। गुलशन ने अब भाई के लिए दूसरे बड़े प्रोजेक्टों पर काम करने का मन बनाया। एक बार सबको लगा कि कृष्ण कुमार को अब बड़ा स्टार बनाने से गुलशन कुमार को कोई रोक नहीं सकेगा। मगर अचानक एक दर्दनाक घटना घटी और कृष्ण कुमार का पूरा करियर एक झटके में डूब गया। बेवफा सनम के बाद कृष्ण कुमार के लिए अगले बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अचानक एक खौफनाक घटना घटी। 12 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार की हत्या हो गई। पूरा बॉलीवुड इस हत्याकांड से दहशत में आ गया। कृष्ण कुमार को खबर मिली तो वो सदमे में चले गए। 41 साल का बाप जैसा भाई अब नहीं था, वो भाई उनको बड़ा स्टार बनाने जा रहा था। गुलशन के दोनों बच्चे छोटे थे और पूरी टी सीरीज कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं था। कृष्ण कुमार को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। गुलशन की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार बनने का सपना छोड़ दिया और भाई के बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उठा ली। उस समय गुलशन की एक बेटी तुलसी 11 साल की और दूसरी बेटी खुशाली भी 9 साल की थी, जबकि बेटा भूषण 19-20 साल का रहा होगा। पूरी कंपनी का जिम्मा भी उनके कंधों पर आ गया। कृष्ण कुमार ने एक्टिंग से दूरी बना ली और परिवार की जिम्मेदारियों में लग गए। बस इस घटना ने कृष्ण कुमार को एक झटके में गुमनाम कर दिया और उनका सपना टूट गया। गुलशन कुमार का बेटा बड़ा हुआ तो उसका हक उसे दे दिया। गुलशन का बेटा भूषण कुमार ही अब कंपनी का CEO है। वैसे कृष्ण कुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी फिल्म आजा मेरी जान की अभिनेत्री तान्या सिंह से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम तिशा है। कभी अभिनेता बनने का सपना देखने वाले कृष्ण इन दिनों फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, आपको कृष्ण कुमार याद हैं? अगर हाँ तो उनका कोई गाना या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।